नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। धौलपुर के सोने का गुर्जर थाना इलाके में 1 लाख से अधिक के इनामी डकैत केशव गुर्जर गैंग की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। लंबे समय तक चली मुठभेड़ में दोनों तरफ से 65 चक्र गोलियां दागी गई। पुलिस के दबाव को देखकर डकैत गैंग बिहड़ों में कूदकर फरार हो गई। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर बाड़ी डीएसपी मनीष शर्मा के सुपरविजन में पुलिस टीम, क्यूआरटी टीम और डीएसटी टीम आदि को डकैत केशव गुर्जर एवं उसकी गैंग के सदस्यों की तलाश के लिए लगाया गया। धौलपुर पुलिस ने बताया कि सोने का गुर्जा थाना प्रभारी यशपाल सिंह को जंगल किरार की ओलेट खिरकारी में इनामी डकैत केशव गुर्जर और उसके साथियों के छिपे होने की भनक लगी, जिस पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर डकैतों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें डकैत केशव गुर्जर गैंग और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हुई। डकैतों ने करीब 30 से 40 राउंड फायर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से किए। वहीं पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा में 26 राउंड सरकारी हथियारों से फायर किए। इस दौरान डकैत केशव गुर्जर, शीश राम गुर्जर और बंटी पंडित चंबल नदी के घने जंगल एवं बीहड़ का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल हो गए, जिनकी लगातार सघन तलाश और कॉम्बिंग चंबल नदी के किनारे स्थित घने जंगल एवं बीहड़ में की जा रही है। मुठभेड़ को लेकर पुलिस ने डकैत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि डकैत केशव गुर्जर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से वांछित है, जिसकी गिरफ्तारी पर कुल 1,15,000 रुपये का इनाम घोषित है। इसके भाई शीश राम गुर्जर की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये और साथी बंटी पंडित की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित है। धौलपुर से हमारे संवाददाता केशवाचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।